भाई जो प्रोडक्ट बनने के साथ ही तुरंत ही 100% खत्म हो गया तो अपन क्या मानेंगे कि वो बना ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों इसको बना ही नहीं सकते, यानी रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा ही नहीं सकती, हमेशा कहाँ जाती है स्ट्रॉन्ग से वीक। तो ये रूल है प्रोसेस इन द डायरेक्शन। नोट कर लो बराबर, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज हम किसको बोलते हैं कि विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज कैन डोनेट एच प्लस। ऐसी स्पीसीज जो एच प्लस ले भी सकती है और दे भी सकती है उनको हम एम्फीप्रोटिक बोले, प्रोटिक मीन्स प्रोटोन। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा था एच एस माइनस एच प्लस लेकर किसे बदलता है एच टू एस में, और एच प्लस दे के किसे बदलता है एच माइनस। तो ऐसी स्पीसीज जो एच प्लस ले भी सकती है और दे भी सकती है दैट इज कॉल्ड एज एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, ठीक है ना। अब एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कैसे पहचानेंगे ये बता रहा हूं मैं आपको। मैं डिफाइन कर रहा हूं बेसिसिटी ऑफ एसिड, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एच प्लस गिवन बाई एसिड। मैं यहां लिख रहा हूं एसिड, यहां लिख रहा हूं मैं बेसिसिटी इसकी। बताइए HCl की बेसिसिटी कितनी होगी, H2SO4 की 2, H3PO4 की 3, H3PO3 की 2 और H3PO2 की 1। इसका मतलब यह है कि ये यहां पर 3 H प्लस दे सकता है, ये यहां 2 और यहां 1। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो समझ लें पहले, ठीक। और H2C2O4 लिख दूं कितने देगा, ये मैंने ऑक्सैलिक एसिड ले लिया, पहला H प्लस देके बदलेगा HC2O4 माइनस में और दूसरा H प्लस देके बदलेगा C2O4 माइनस में। ये प्योरली क्या कहलाएगा एसिड, क्योंकि H प्लस दे रहा है, ये आगे H प्लस नहीं देगा, ये प्योरली क्या कहलाएगा बेस। लेकिन बीच में जो स्पीसीज आ रही होगी वो इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है और इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए इस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे एम्फी, सही है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इनके लिए बेसिसिटी 3:2:1 क्यों हुई। H3PO4 का स्ट्रक्चर OH फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, हाइड्रोजन की 2.1, ऑक्सीजन 3.5। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इज वेरी हाई, ये इजीली इन तीन H प्लस को अलग कर सकता है। कितने H प्लस अलग हो गए, 3, तो बेसिसिटी कितनी हो गई 3। इसका मतलब 3 स्टेप में अलग होगा, ये H3PO4 पहले बनाएगा H2PO4 माइनस, पहला H प्लस अलग हो गया, फिर दोबारा बनाएगा HPO4 माइनस 2, फिर लास्ट में बनाएगा PO4 माइनस 3। यहां से यहां तक तोड़ दिया मैंने 3 स्टेप में, ये क्या कहलाएगा इसका एसिड पहली टर्म, और लास्ट टर्म क्या कहलाएगी इसकी प्योरली बेस। ये जो दोनों चीजें आ रही है बीच में ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है और इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, तो ये दोनों स्पीसीज क्या कहलाएगी एम्फी, ठीक। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं पी डबल बोन ओ ओ एच ओ एच और ये एच, किसका फॉर्मूला हुआ H3PO3। अब इसमें फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो ये इतना कैपेबल नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचकर H प्लस को फ्री कर दे, तो H प्लस कितने फ्री हो सकते हैं इसमें से 2, इसलिए बेसिसिटी इसकी कितनी लिखी है हमने 2। अलग कैसे होगा H3PO3 पहले किसमें बदलेगा
H2PO3 माइनस में, फिर किसमें बदलेगा? HPO3 माइनस टू में। क्या इससे आगे टूटेगा? क्यों नहीं टूटा? क्योंकि बेसिसिटी दो ही है ना। H प्लस कितने अलग कर सकता है? केवल दो। इसका मतलब ये पहली वाली टर्म तो क्या कहलाएगी? एसिड। लास्ट वाली टर्म बेस। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? एम्फीप्रोटिक, बीच वाली टर्म। ठीक, इसके बाद में ले लू तीसरा एग्जांपल, H3PO2, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, एच एच एच। फार्मूला क्या बन गया? H3PO2। कितने एच अलग हो सकते हैं? एक। तो बेसिसिटी कितनी हो गई? ये अलग नहीं होंगे। तो अगर ये H प्लस दे दे तो ये क्या बनाएगा? H2PO2 माइनस। मुझसे पूछ ले ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है या नहीं है? नहीं। इससे आगे तो जाना ही नहीं है इसको, ठीक है ना। इससे आगे अलग नहीं होगा, तो ये तो कहलाएगा बेस, कॉन्जुगेट, और ये क्या कहलाएगा? बात समझ आ गई? तो इस तरीके से अपन एम्फीप्रोटिक स्पीसीज को पहचानेंगे। एसिड, ऑक्सी एसिड को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद पहली टर्म एसिड और लास्ट टर्म बेस, बीच में जो भी टर्म आ रही होगी वो सब क्या कहलाएगी? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। ठीक है।